इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे स्टार हैं जो इन दिनों हवा में काफ़ी उड़ रहे हैं। आयुष्मान, हवा में इतना क्यों उड़ रहे हैं? हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि मेरी आने वाली फिल्म हवाई ज़्यादा में मुझे बहुत हार्नेस शॉट्स देने पड़े थे, और इट्स अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरक्राफ्ट मेकर, जो हिंदुस्तानी था, पहला विमान बनाया था दुनिया का। जी, तो इसके पीछे कितनी आपको स्टडी करनी पड़ी है, जो एरोनॉटिक स्टडी है या इसे कह लें, कितनी स्टडी करनी? इनफैक्ट मैं साइंस स्टूडेंट था 11th 12th, जिसे आप मुंबई में जूनियर कॉलेज बोलते हैं। आई ऑलमोस्ट बिकेम अ डेंटिस्ट, डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर इफ नॉट एन एक्टर, पर रिसर्च मुझे कम और डायरेक्टर और राइटर को ज़्यादा करनी पड़ी थी। हैविंग सेड दैट, 100 से ज़्यादा वर्ड्स लिखे नहीं गए हैं अबाउट शिवकर बाबूजी तड़पदे और उसके इन्वेंशन के बारे में। तो एक क्रिएटिव लिबर्टी थी एक्टर के पास, डायरेक्टर के पास, टू वीव अ स्टोरी, ब्यूटीफुल फैंटेसी वर्ल्ड अराउंड दिस। ये बताइए, आपकी फिल्मों के टाइटल थोड़े ऐसे अजीब से क्यों होते हैं? विक्की डोनर, बेवकूफियाँ, हवाई ज़्यादा, मतलब ये पर्पजली आप? आई थिंक ऑफकोर्स इट जस्ट ग्रैब्स मोर अटेंशन। हवाई ज़्यादा एक ऐसा ऑफकोर्स सन ऑफ द विंड जिसे बोलेंगे, और इट गोज विद द स्टोरी ऑफ द फिल्म। उसके अलावा कैची टाइटल्स, एक दौर आ चुका है कैची टाइटल्स का, अनकन्वेंशनल फिल्म्स का। मेरी शुरुआत अनकन्वेंशनल फिल्म से हुई थी, उसके बाद मैंने दो कन्वेंशनल फिल्में की थी जो इतनी नहीं चली, सो आई एम बैक विद एन अनकन्वेंशनल फिल्म। सो मुझे लगता है कि इधर यू आर अ सुपरस्टार और योर स्क्रिप्ट इज अ सुपरस्टार, सो आई थिंक दिस इज अ सुपरस्टार स्क्रिप्ट। आपने जब वो विकी डोनर कर दी तो लोगों पर आपने ऐसा चाम ऐसा जादू कर दिया सारे फैंस के, फिर वो विकी डोनर टू, विकी डोनर टू का वेट करते रहे, वो कभी नहीं बनेगी? आई थिंक अगर सुजित सरकार, जूही चतुर्वेदी कुछ क्रैक कर सकते हैं एज अ अमेजिंग आइडिया जो विकी डोनर वन में था, जो उसके एक्सपेक्टेशन को मैचअप कर सके, अगर वो नहीं होगा तो वो फिल्म नहीं होगी, बिकॉज उसका चार्म खत्म हो जाएगा। द फिल्म इज सो ब्यूटीफुल, आई थिंक उसकी लेगेसी तभी अच्छी होगी इफ द सीक्वल इज इक्वली गुड। जॉन मुझे बताया था कि आयुष्मान काफ़ी बिजी रहता है, अगर जब आयुष्मान फ्री हो जाएगा तो मैं पार्ट टू बना लूँगा। ऑफ कोर्स मैं इन फिल्म्स के साथ बिजी हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर पार्ट टू के बारे में सोचेंगे तो मैं सब कुछ अपना बिजनेस छोड़कर बाकी उस फिल्म की तरफ जाऊँगा। ये बताइए, आपकी फिल्म में पोस्टर में और सब जगह एम्फेसिस किया गया मेड इन इंडिया, आयुष्मान खुराना खुद कितने मेड इन इंडिया है? यार, एक पंजाबी लड़का होते हुए भी अगर एक मराठी मैं बोल रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मेड इन इंडिया क्या होगा? यहाँ थोड़ा मेड इन इंडिया टेस्ट कर लिया जाए आपका स्वेटशर्ट। आई डोंट नो यार, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो सब मेड इन इंडिया होती हैं। वॉच, इट्स नॉट मेड इन इंडिया। शूज, इट इज डेफिनेटली मेड इन इंडिया। नो, चेक करवाऊंगा। देखो भाई, नीचे ले आओ। ओके, मेड इन इंडिया। सॉक्स, दैट्स नॉट मेड इन इंडिया, दैट्स नॉट मेड इन इंडिया। जींस, probably made in India, but मैं check कैसे करूँ? वो भी शायद made in India. I think diesel made in India. We want to check. We want to check. We want to check. Okay. We want to check. Okay. Okay. It's not made in India. Ishman, come on. Wait, yeah. Let me just show you. Let me just show you. Oh, you're not wearing it. इसका tag कहाँ पर है? यार मेरे साथ आपको बाथरूम चलना पड़ेगा और कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, मैं इसका टैग ढूंढ रहा हूँ। आयुष्मान, ये बताइए, कई साल हो गए बॉलीवुड में, बॉलीवुड में कई ऐसे हवाई ज़्यादा देखे हैं आपने जिन्होंने करना वरना तो कुछ नहीं है पर फिर भी हवाई ज़्यादा बनकर रहते हैं? यार मैं क्या नाम लूँ अभी, आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे साथ कैमरा के सामने ऐसे कोई हवाई ज़्यादा देखे? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स और सेलिब्रिटी से ज़्यादा उनके जो मैनेजर्स और पीआर होते हैं वो ज़्यादा हवाई ज़्यादा होते हैं, उनकी इमेज बना के रखते हैं। यार नहीं, अभी बात मत करो, अभी ये खाना खा रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, बिजी हैं, ही कांट टॉक टू यू राइट नाउ। एक्टर बेचारों से पता भी नहीं क्या बात हो रही है बाहर। तो आई थिंक उनकी जो इर्द गिर्द जो फ्रिल्स होते हैं वो ज़्यादा हवाई ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो आपको अभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत किसी पीआर ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी, ये चीज़ें नहीं करनी? होती थी कि यार ये बड़ा इसकी हवा ख़राब हो गई है जब से पहली फिल्म हिट हुई है ये वगैरह, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि इवन इन स्कूल आई वॉज अ नो कॉन्ट्रोवर्सी गाय, मैं चुपचाप रहता था, अपने में रहता था। आई थिंक बींग एन इंट्रोवर्ट कैन एक्चुअली कॉज हार्म टू यू इफ यू इन द इंडस्ट्री, ये मैंने सोचा था। तो आपका एक अलग पर्सपेक्टिव, गलत पर्सपेक्टिव भी आ सकता है। अच्छा, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगा आपके लिए एज एक्टर, बट प्रोड्यूसर्स कितने हवाई ज्यादा होते हैं? बड़े हवाई ज्यादा होते हैं यार, एक नंबर के हवाई, मतलब एक हवाई ज्यादा नाम भी ऐसा लगता है कुछ गाली दे रहे हो तुम किसी को, बट एक प्रोड्यूसर तो उनको तो होना ही पड़ता है हवाई ज्यादा।